नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे दिवाली रेमेडीज के बारे में। दशहरे से लेकर दिवाली तक का जो हमारा टाइम है वो फिनेंस से रिलेटेड रेमेडीज परफॉर्म करने के लिए क्यों अच्छा माना जाता है, और अगर हम कोई भी वेल्थ से रिलेटेड या फिनेंस को इम्प्रूव करने के लिए कोई रेमेडी करते हैं दशहरे से लेकर दिवाली तक का जो 20 डेज का पीरियड है, तो इस बीच में जो जो इम्पोर्टेंट रेमेडीज हम कर सकते हैं ताकि हमारा फिनेंस अच्छा रहे, हमारा जो एक मॉनेटरी ग्रोथ है वो हमें देखने को मिले, रुपए पैसे से जुड़ी कोई समस्या है तो हमारी जिंदगी से खत्म हो, तो इसके ऊपर आज हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो फिनेंस को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आपका फिनेंस स्ट्रक चल रहा है, रुपए पैसे की समस्या बनी हुई रहती है, पैसों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और दशहरे से लेकर दिवाली तक का जो टाइम है उसके बीच में अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली रेमेडीज को करने से फाइनेंसेस में आपको डेफिनेटली हेल्प देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और देखिए, अगर हम बात करें दशहरे के बाद से जो दिवाली तक का 20 डेज का जो अराउंड पीरियड आएगा अभी, तो इस पीरियड के अंदर देखिए जो यूनिवर्स की एनर्जीज हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं, और यूनिवर्सल जो एनर्जीज होती हैं उनके साथ में कनेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम ही हमारा होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो दिवाली का हमारा टाइम होता है तो उसमें जनरली लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो पूजा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी जाती है, और हिंदू जितने भी घर होते हैं वहाँ पर दिवाली की रात में लक्ष्मी पूजन जरूर किया जाता है। और लक्ष्मी पूजन को करने के पीछे जो मेन उद्देश्य होता है या जो सबसे बड़ा एक ब्रॉड विजन होता है वो यही होता है कि लक्ष्मी माँ जो है वो हमारे घर पधारे और हमारे घर में आकर परमानेंटली वास करें। तो इसीलिए हम लोग लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए दिवाली का त्यौहार मनाते हैं और दिवाली पर लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। लक्ष्मी माँ की पूजा सिंबलाइज करती है कि यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं दशहरे से लेकर दिवाली तक के टाइम में। तो इस समय अगर हम भगवान से कोई भी मन्नत मांगते हैं, कोई भी भगवान से डिजायर करते हैं, विश करते हैं, कोई भी इच्छा भगवान के सामने रखते हैं तो माँ उसे जरूर ही हमारा पूरा करती हैं। तो इसीलिए हम जो दिवाली पूजन है या फिर जो भी हमारा लक्ष्मी पूजन है उसको हम लोग करते हैं। तो देखिए, कुछ बहुत ही इजी रेमेडीज के ऊपर आज हम बात करेंगे जो हम परफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं दशहरे से लेकर दिवाली तक। आप इन रेमेडीज को परफॉर्म करिए और फाइनेंशियली चीजों के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हुए बात करते हैं सबसे पहली रेमेडी की। तो देखिए, जो माँ लक्ष्मी होती है, कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी को जो सफेद कलर होता है, सफेद रंग जो होता है, बहुत ही ज्यादा प्रिय उनका माना जाता है। तो आप क्या करिए कि दशहरे से लेकर दिवाली तक रोज मंदिर जाइए, और मंदिर जब आप दशहरे से लेकर दिवाली तक 20 दिन तक लगातार मंदिर जाएंगे तो मंदिर में आप सफेद रंग की मिठाई ले जा सकते हैं या फिर सफेद रंग का फूल ले जा सकते हैं। और ये सफेद रंग की मिठाई या सफेद रंग का जो फूल है आप माँ लक्ष्मी माँ को चढ़ाइए, दुर्गा माँ को चढ़ाइए, क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी भी दुर्गा माँ का स्वरूप ही होता है। तो आप दुर्गा माँ के सामने या लक्ष्मी माँ के सामने सफेद रंग का फूल या सफेद रंग की मिठाई अर्पित करिए और माँ से प्रार्थना करिए कि मेरे जो भी फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कत चल रही है, या अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, नई जॉब में ज्वाइन किया है वह फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, जो भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है देवी माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। देवी माँ जो है उन प्रॉब्लम्स को जरूर ही आपके सॉल्व आउट करेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है जो आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए, जो भी हमारा टाइम रहेगा ये 20 तारीख से लेकर जो भी हमारा 20 दिन का पूरा पीरियड रहेगा, तो इसमें जो शुक्रदेव का बीज मंत्र है, तो शुक्रदेव के बीज मंत्र का जो जाप है वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पर गूगल पर टाइप करेंगे तो शुक्र भगवान का जो बीज मंत्र है वो भी आपको मिल जाएगा, तो उसका पार्ट भी हम कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहता है इस समय अगर हम उसको करते हैं। उसके बाद देखिए आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो पूरा 20 दिन का पीरियड होगा तो इसमें अगर हम श्री सुक्तकम का पाठ करते हैं, देखिए अब श्री सुक्तकम जो होता है उसको ये माना जाता है कि देवी के जो ब्लेसिंग्स हैं वो श्री सुक्तकम के अंदर रहती हैं। तो अगर आप श्री सुक्तकम का पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है ये हमारी जिंदगी से जो भी फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं उसको खत्म करने के लिए, जो भी कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम चल रही है उसको खत्म करने के लिए श्री सुक्तकम का पाठ करना भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और घर में श्री यंत्र की स्थापना भी देखिए बहुत लोग करते हैं हमारे इंडिया के अंदर, और जो लोग पूजा पाठ और धर्म को मानते हैं तो काफी सारे लोग हैं जो श्री यंत्र अपने पूजा घर के अंदर रखते हैं। और जिन भी लोगों के घर के अंदर श्री यंत्र रहता है
अगर वो श्रीयंत को अच्छे तरीके के साथ में पूजा करते हैं तो देवी माँ की जो कृपा है, जो भी फिनेंसेस हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती हैं। तो श्रीयंत को भी आप अपने घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको करते हैं। उसके बाद देखिए, देवी माँ का एक बहुत ही प्यारा मंत्र है, बहुत ही अच्छा मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, कनकधारा स्तोत्र। और ये कनकधारा स्तोत्र जो है, हम इसको काफी ज्यादा, हमने हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन आती हैं, तो काफी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के अंदर हमने कनकधारा स्तोत्र को दिया है। और जिन जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यू होते हैं, उनको जब हम कनकधारा स्तोत्र करने को कहते हैं, 40 डेज तक जो भी कनकधारा स्तोत्र करता है, तो जिंदगी के अंदर फाइनेंशियल ट्रबल्स को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा ये कारगर उपाय साबित हुआ है। तो आप भी दशहरे से लेकर दिवाली तक का पीरियड है, जब भी आप ये वीडियो देखें, तब से अगर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा लक्ष्मी माँ की ब्लेसिंग लेने के लिए। और देखिए, जो ये 20 दिन का पीरियड है, पूरे 365 दिन के सर्कल में जो 20 दिन का पीरियड है, बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है कोई भी धार्मिक काम को करने के लिए, कोई भी पूजा पाठ को करने के लिए। तो उस समय अगर आप इसको करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। लक्ष्मी माँ का देखिए बहुत अच्छा स्तोत्र होता है, लक्ष्मी सहस्त्र नाम। तो लक्ष्मी सहस्त्र नाम के अंदर लक्ष्मी माँ के 1000 नामों की व्याख्या की गई है, और लक्ष्मी माँ के जो 1000 नाम है उनकी काफी ज्यादा प्रशंसा करी गई है। तो अगर आप लक्ष्मी सहस्त्र नाम को सुनना शुरू करते हैं, और लगातार अगर आप लक्ष्मी सहस्त्र नाम को सुनते हैं दिवाली की रात तक, जो भी अभी जब से शुरू कर रहे हैं, तब से जो दिवाली की रात आ रही है, तब तक अगर आप लक्ष्मी सहस्त्र नाम को सुनते हैं तो बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी ये। लक्ष्मी सहस्त्र नाम 15-20 मिनट्स का होता है, यूट्यूब पर आपको लक्ष्मी सहस्त्र नाम मिल जाएगा। तो लक्ष्मी सहस्त्र नाम को सुनने से भी जो माँ लक्ष्मी है उनकी ब्लेसिंग हमें प्राप्त होती है, और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है लक्ष्मी माँ की कृपा को प्राप्त करने का। और लक्ष्मी सहस्त्र नाम से देखिए, जो भी अगर आपके वो कर्जा चल रहा है तो कर्जा भी इससे खत्म होता है। जो भी अगर आपको सैलरी में ग्रोथ नहीं हो रही वो भी आपको मिलती है, बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है तो वो गेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कहीं से भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर चल रही है तो ये आपकी बहुत आसानी से इसके थ्रू में सॉल्व होती है। आराधना तो हमें रोज ही करनी चाहिए, जो भी हमारा पूरा पीरियड है, तो इसमें देवी माँ की जो आराधना है डेली हम करें, हमारा जो दशहरे से लेकर दिवाली तक का टाइम है, तो लक्ष्मी माँ को डेली हम पूजा करें, डेली लक्ष्मी माँ की फोटो के आगे दिया जलाएं, लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करें। लक्ष्मी माँ की आरती देखिए सब जगह अवेलेबल है, जो भी आरती की बुक्स आती हैं वहाँ भी लक्ष्मी माँ की आरती रहती है। उसके बाद में गूगल पर, यूट्यूब पर लक्ष्मी माँ की बहुत छोटी सी आरती भी है, तो लक्ष्मी माँ की आरती भी अगर हम करेंगे तो भी इससे बहुत ही ज्यादा हमें लाभ देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, जो दुर्गा चालीसा है, दुर्गा चालीसा भी बहुत अच्छा एक उपाय माना जाता है अगर हम देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जो देवी माँ है वो भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी माँ का ही स्वरूप है, लक्ष्मी माँ जो है वो कहीं ना कहीं देवी माँ का स्वरूप है। तो अगर आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ करते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी आपके जो मॉनेटरी टर्म्स है वो इम्प्रूव होंगे, फाइनेंशियल आपके इम्प्रूव होंगे। तो देखिए, मेन अगर आप पॉइंट अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, तो किसी ना किसी फॉर्म में देवी की आराधना करना, ये जो पीरियड रहेगा हमारा दशहरे से लेकर दिवाली तक का, दिवाली स्पेशल ये पीरियड जो रहेगा, तो इसमें देवी माँ की किसी भी फॉर्म में अगर आप आराधना करेंगे और अपने मन की जो इच्छाएं हैं, मन की जो समस्याएं हैं, जो भी डिजायर्स हैं, अगर वो आप लक्ष्मी माँ को समर्पित कर देते हैं, देवी माँ को समर्पित कर देते हैं, तो यकीनन माँ उन जितनी भी आपकी समस्याएं हैं या जो भी इच्छाएं हैं उनको जरूर ही पूरा करेगी। तो ये देखिए बहुत ही काफी अच्छा पीरियड है, यूनिवर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो सबको रिकमेंड करेंगे कि कोई ना कोई उपाय, अभी तक जितने उपाय बताए हैं और आगे भी जो उपाय हम बताए हैं उनको जरूर आप जाकर चेकआउट करिएगा। लास्ट मंथ हमने हमारी एस्ट्रोलॉजी की बुक लॉन्च करी है, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स। तो बहुत ही सरल भाषा में अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये बुक आपकी बहुत अच्छे तरीके के साथ में हेल्प कर सकती है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी को इसके अंदर कवर किया गया है। तो कमेंट में अमेजन का लिंक है, बुक को जाकर KDP के ऊपर फ्री में रीड भी कर सकते हैं किंडल के ऊपर। और अगर आप बुक लेना भी चाहते हैं, तो अमेजन का जो लिंक पिंड कमेंट में है उस पर जाकर सर्च कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ जो होती हैं, कहीं ना कहीं जो सफेद रंग है लक्ष्मी माता के साथ में एसोसिएट होता है, जैसा हमने पहले भी बात करी है,
तो अगर आप सफेद रंग के कपड़ों का दान करते हैं, आप सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, देखिए खुद भी जितना ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग के कपड़े पहनेंगे उतना फाइनेंशियल आपके इम्प्रूव होंगे। और अगर आप फ्राइडे के दिन में या फिर अगर आप ट्यूसडे के दिन में अगर आप कपड़ों का दान भी करते हैं, व्हाइट कलर के कपड़ों का दान भी करते हैं, तो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और एक बहुत ही मास्टर रेमेडी हम आपको बताते हैं, और ये रेमेडी मैं अपने बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर भी करता रहता हूँ। मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज के ग्रुप चलते रहते हैं वहां भी मैं इसको शेयर करता हूँ। आप क्या करिए कि आप व्हाइट रुमाल ले लीजिए और व्हाइट रुमाल के ऊपर आप थोड़ा सा परफ्यूम लगा दीजिए, थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए। और ये जो व्हाइट रुमाल है जिसके ऊपर आपने परफ्यूम या इत्र लगाया है उसको देवी माँ के सामने ले जाकर समर्पित कर दीजिए। तो अगर आप ऐसा लगातार करेंगे, अभी ये जो पूरा पीरियड रहेगा हमारा दिवाली से पहले 15-20 दिन का जो पीरियड है, इसमें अगर आप एक सफेद रुमाल के ऊपर अगर आप थोड़ा सा इत्र लगाकर माँ को अर्पित करेंगे तो यकीनन आपके फाइनेंशियल इंप्रूव होंगे। डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर फायदा देखने को मिलेगा। तो कोई भी ये उपाय कर सकता है, इस उपाय को करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हमें फायदा देखने को मिलता है। बाद में देखिए कि शुक्रवार के दिन में उपवास रखना भी बहुत अच्छा उपाय रहता है। शुक्रवार का दिन जो होता है, देखिए देवी माँ को समर्पित दिन होता है, और अगर इस दिन अगर हम उपवास रखते हैं यानी कि हम फास्ट अगर इस दिन रखते हैं तो ये भी देवी माँ को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर देता है। तो अगर आप शुक्रवार के दिन में उपवास रखते हैं यानी खाली जल ग्रहण कर रहे हैं या फिर खाली फ्रूट्स ग्रहण कर रहे हैं या फिर अन्न का त्याग कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का उपवास अगर आप करते हैं फ्राइडे के दिन, तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। देखिए वैसे भी जो यूनिवर्स की एनर्जीज है बहुत ज्यादा हाई रहेंगी जो पूरा पीरियड है, और फ्राइडे का दिन तो माँ को समर्पित होता ही है, तो उस दिन तो डबल हमारे लिए काफी एनर्जी वाला दिन रहेगा। तो शुक्रवार के दिन फास्ट रखना, और फास्ट रखने के बाद में जब मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाकर अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनको माँ के आगे समर्पित कर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लाभ देखने को मिलेगा, आपको फाइनेंशियल चीजों के अंदर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये उपाय भी कोई भी कर सकता है, ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको हम अपने उसके अंदर अब इस उपाय को भी हम अपने शेड्यूल के अंदर ला सकते हैं। अब देखिए जो हमारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो हमारी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट को डिनोट करती हैं यानी कि पृथ्वी तत्व को डिनोट करती हैं, और हमारा जो फूड होता है वो भी कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है। तो ये जो हमारा पूरा 20 दिन का पीरियड रहेगा या फिर हम दशहरे से लेकर दिवाली तक का जो टाइम है, इस बीच में अगर हम फूड का डोनेशन करते हैं, अगर हम खाने पीने की किसी चीज का डोनेशन करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब खाने पीने का डोनेशन देखिए आप बड़ी क्वांटिटी में भी कर सकते हैं, जैसे कि भंडारा कराना हो गया तो आप किसी मंदिर के बाहर भंडारा भी कंडक्ट करा सकते हैं। भंडारा कराने से भी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं, और ये कहा जाता है कि जो गरीबों को खाना खिलाता है उसके घर के जो भंडार है हमेशा भरे हुए रहते हैं। तो अगर आप किसी मंदिर के बाहर भंडारा करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा। और अगर आप भंडारा नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप मिठाई का दान कर सकते हैं, आप थोड़ा सा घर से कुछ बनाकर ले गए, रोटियां दान कर दी या फिर कुछ रोटी सब्जी बनाकर ले गए, खिचड़ी बनाकर ले गए, खिचड़ी आपने दान कर दी, तो किसी भी तरह का जो फूड का डोनेशन है, खाने पीने की चीज का डोनेशन है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे देवी माँ को सफेद कलर की चीजें पसंद होती हैं, तो दही का डोनेशन हो गया, दूध का डोनेशन हो गया, कुछ भी सफेद चीज का डोनेशन करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी फॉर्म में अगर खाने का डोनेशन कर रहे हैं तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। आने वाला जो पूरा 20 दिन का पीरियड है तो थोड़ा सा सात्विक आचरण रखेंगे, खाने पीने में थोड़ा सा सात्विक आचरण रखेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए फूड डायरेक्टली मनी से रिलेटेड है, इस बात को अगर हम अभी जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। फूड का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो मनी के साथ में होता है। फूड भी अर्थ एलिमेंट है और मनी भी अर्थ एलिमेंट है, तो दोनों बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं। जितना ज्यादा खाना सात्विक होगा उतना ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। जितना आप जो खाने के अंदर तामसिक एलिमेंट ज्यादा होगा उतना फाइनेंशियली हमें चीजें डाउन जाती हुई दिखाई देंगी, और ये तो हम सबको पता ही है कि सात्विक भोजन क्या होता है, तामसिक भोजन क्या होता है। तो जनरली कोशिश करिए कि जो आने वाले 20 डेज का पीरियड है तो नॉनवेज कंजम्पशन को थोड़ा सा अवॉइड करें, अंडा हो गया, मांस मछली हो गया, ये सारी चीजें 20 दिन कंज्यूम ना करें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे फिर फाइनेंसेस जो है हमारे सफर करेंगे। आप वेजिटेरियन खाना खाएंगे तो फाइनेंशियली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, राइज देखने को मिलेगा, तो ये भी आप 20 डेज तक फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी का डोनेशन कर सकते हैं, लोगों को पानी पिला सकते हैं, मंदिर के बाहर जाकर लोगों को पानी पिलाइए। जैसे क्या कर सकते हैं, घर से चाय बनाकर ले गए, जूस बनाकर ले गए, वो मंदिर के बाहर लोगों को पिला दिया, या घर से शरबत बनाकर ले गए, वो मंदिर के बाहर लोगों को पिला दिया, तो ये भी जो भी खाने पीने से जुड़ी हुई चीजें हैं उनका दान करना देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है।
शुक्र भगवान को देखिए, अगर हम और ज्यादा अच्छे से चाहते हैं शुक्र भगवान की पूजा करें, तो देखिए आप अपने घर में साफ सफाई रखिए, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जहाँ रहती है साफ सफाई वहां रहती है लक्ष्मी माई। तो आपके देखिए जो लक्ष्मी माँ है, या जो भी हम देखिए लक्ष्मी माँ शुक्र का प्रतीक होता है, अगर हम शुक्र प्लेनेट की बात करें, शुक्र रिफाइनमेंट का प्लेनेट है, उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। शुक्र हमेशा ये चाहते हैं, या फिर माँ हमेशा ये चाहती हैं कि हमारा जो कमरा है वो क्लीन रहे, घर पूरा क्लीन रहे। तो घर की हमेशा सफाई करते हुए चलिए, अपना जो कमरा है उसको क्लीन करिए, अपना जो बेड है उसकी चद्दर को रोज चेंज करिए, तकिए के जो कवर है उनको चेंज करिए, चीजों को हमेशा बदलते हुए रहिए। मतलब कमरे के अंदर गंदगी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, घर में झाड़ू पोछा रोज होना चाहिए। और देखिए जो हमारी बॉडी है, बॉडी को रोज आप नहाइए, बॉडी को बिल्कुल, बॉडी को भी क्लीन करिए अपनी। जो व्हीकल्स हैं हमारे, जैसे कि आपकी स्कूटर है, साइकिल है, बाइक है, कार है, तो इनको भी लगातार आप क्लीन करिए। तो जितना भी क्लीननेस आपके पास में रहेगी, उतना आपका जो मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। क्योंकि देखिए इन सारी चीजों का डायरेक्ट कनेक्शन फाइनेंस के साथ में होता है, तो अगर आप जितना क्लीननेस को अपने पास में रखेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कपड़े जो आपने एक बार आज पहन लिए, तो कल उन्हें दोबारा धोकर ही पहनिएगा। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जो टी शर्ट आज पहनी कल भी वही टी शर्ट पहन रहे हैं, परसों भी वही टी शर्ट पहन रहे हैं। बॉयज के अंदर तो बहुत सारी आदत होती है कि जो आज कपड़े पहन लिए कल भी वही कपड़े पहन लिए। तो इन सारी चीजों को अगर अवॉइड करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। परफ्यूम लगाना, थोड़ी सी अपने आप को इत्र वगैरह लगाना, जो थोड़ी सी खुशबू को अपने आसपास रखना, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। आप घर से बाहर निकलिए तो थोड़ा सा इत्र लगाकर निकलिए, थोड़ा सा परफ्यूम लगाकर निकलिए, तो आपके जो भी देखेंगे कि अगर ये जितनी भी चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं इनमें से आधी भी फॉलो कर ली, तो फाइनेंसिस आपके इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। तो 20 डेज का पीरियड है, इसमें जरूर शुरू करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सी रेमेडी आप शुरू कर रहे हैं, तो जरूर इससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। कोई ना कोई रेमेडी जरूर करिएगा और जरूर बाकी लोगों को भी मोटिवेट करिएगा, तो बहुत ज्यादा इसके साथ में अच्छा रहेगा। और देखिए बहुत ही अच्छे उपाय की और हम बात करते हैं कि देखिए जो गाय होती है, हमारे हिंदू समाज में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। तो जितनी अगर आप गाय की सेवा करेंगे, जो आने वाले 20 डेज का पीरियड है, अगर गाय माता की सेवा करेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छा एक उपाय रहेगा, बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी। दिवाली तक का जो समय है, तो इसमें आप गाय की सेवा कर सकते हैं। अब गाय की सेवा देखिए बहुत तरह से हो सकती है। आप गाय को रोटी खिला सकते हैं, आप गाय को बिस्किट खिला सकते हैं, आप गाय को कुछ भी खाने पीने की चीज है गाय को खिला सकते हैं, गाय को धो सकते हैं, मतलब गाय को स्नान करा सकते हैं। तो जो भी सारी चीजें हैं जिससे गाय की सेवा होती है, तो कुछ भी करिएगा, लेकिन गाय की जो भी सेवा आप करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। गाय को केला खिलाना, रोटी खिलाना, इन सारी चीजों से आपको देवी माँ की कृपा जो है वो प्राप्त होगी। तो गायों की सेवा करना आप शुरू करिए, और दिवाली तक का जो समय है गायों की जितनी सेवा करेंगे उससे भी फाइनेंसिस हमारे इंप्रूव होंगे। कहा जाता है जो गाय होती है उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर आप गाय जो है, गाय की पूजा करेंगे जब तक दिवाली नहीं आती है, तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए बहुत अच्छा उपाय होता है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारी जो भी परेशानियां हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि आप भगवान के मंदिर जाकर देवी माँ को समर्पित कर दीजिए, तो हिंदू शास्त्रों में या हिंदू पुराणों में ये भी कहा जाता है कि जो हमारी समस्याएं हैं या जो भी इच्छाएं हैं, और हम गाय माता के कान में जाकर उनको बोलते हैं, जो इच्छाएं हैं समस्याएं हैं गाय माता के कान में जाकर उनको बोलकर अगर हम ये कहते हैं कि माँ मेरी समस्याओं को पूरा करें या मेरी जो इच्छाएं हैं उनको आप पूरा करें, तो गाय माता जो है वो भी हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करती हैं। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है जिसको हम कर सकते हैं। तो केला खिलाकर गाय को, रोटी खिलाकर, बिस्किट खिलाकर, कुछ भी खिलाकर समस्याएं भी गाय माता के सामने ले जाकर आप समर्पित कर दीजिए, इससे भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो देखिए बहुत सारी यहाँ पर रेमेडीज की हमने बात करी है, तो ये रेमेडीज आप जरूर परफॉर्म करिएगा, और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि कौन कौन सी रेमेडीज आप परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। अराउंड 10 इंपॉर्टेंट रेमेडीज की यहाँ पर हमने बात करी है, तो सारी रेमेडीज को जरूर परफॉर्म करिएगा। और अगर आप बहुत ही सरल भाषा के अंदर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो हमारी जो रिसेंटली लॉन्च बुक है लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट, तो आप अमेजन पर जाकर इस किताब को सर्च भी कर सकते हैं। पिंड कमेंट्स में आपको अमेजन का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप फ्री में किंडल के अंदर रीड भी कर सकते हैं, ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वैदिक एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, शिनाजी एस्ट्रोलॉजी वैदिक एकेडमी के अंदर हम लोग 7 courses इस समय ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे level 1, level 2, level 3 वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, डिविजनल चार्ट्स का कोर्स है हमारा, वेल्थ एंड करियर मैनेजमेंट का कोर्स है, तो इनमें से 7 में से कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी नीचे जो नंबर दिया है उस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
वी विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आपका दिवाली बहुत ज्यादा अच्छा रहे और आपकी ये जो दिवाली आए आपके लिए हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।